नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीनीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो जाहिर नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। मिर्जापुर के श्री बाल रामलीला समिति चौक बाजार अरोरा के तत्वाधान में रविवार की देर शाम नगर के ऐतिहासिक चौक चौराहे पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की राज्य अभिषेक काफी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें नगर से सभी सम्मानित व राम भक्तों ने प्रभु श्री राम जी के राज्य अभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभु रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कवियों द्वारा शानदार प्रस्तुति की गई, जिससे वहां पर उपस्थित सभी राम भक्तों ने कवियों की कविता सुनकर आनंदित हो उठे। साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रभु रामचंद्र जी का उद्घोष करते रहे। वहीं मंच पर रामलीला के सभी पदाधिकारियों व कलाकारों को थाना अध्यक्ष अरोरा द्वारा अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ कवि सम्मेलन को शांतिपूर्वक सुनते हुए नजर आए। इस अवसर पर कवियों द्वारा शानदार प्रस्तुति भी की गई। वहीं 4 बजे भोर में प्रभु रामचंद्र जी की आरती कर कार्यक्रम को समाप्त किया गया। श्री बाल रामलीला समिति का मंचन का ये आखिरी दिन है और भगवान पुरुषोत्तम राम का राज्याभिषेक का ये दिन है। हम लोग भी इस ऐतिहासिक दिन के एक गवाह बने। मैं पूरे कमेटी को धन्यवाद देता हूँ और ये कहूँगा कि आप लोग दिनों दिन और ऊंचाई को छुए। धन्यवाद। तो रामचरित मानस शब्द शैली विस्तार देख, जन बलिहार सुख पाता या विराम है, और धन धन ऐसे हैं सपूत मातु तुलसी के। तुलसी महान मेरा कोटिशर प्रणाम है, तुलसी महान मेरा कोटिशर प्रणाम है। पहले एक नौजवान कवि आपके मंच पर बैठा हुआ है जो कौशल पांडे के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा ओरिएटर है, बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर भी है और एक संस्थान में टीचर भी है फिजिक्स का। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कविताएं इसकी भी सुन ले। ये नवोदित जरूर है, लेकिन आपका आशीर्वाद आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के रूप में अगर इसे मिलेंगी तो निश्चित रूप से इसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है और भविष्य में चल करके हो सकता है बहुत बड़ा नाम कर ले। मिर्जापुर से अनिश कुमार की एक रिपोर्ट।